नमः शिवाय। फिर तुमने शिव का नाम लिया तो इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। हाँ पिताश्री, हम सभी शिव नाम का जाप करके भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि वो हमारी और हमारे राज्य की रक्षा करें, किंतु सुब्रत, भगवान शिव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा भक्ति इतनी दुर्बल है कि एक राक्षस की विकरालता के आगे टूट गई। आओ हम पांचों मिलकर भगवान शिव को पुकारते हैं। हे देवाधिदेव, हे देवों में परम देव देवेश्वर, हे भोलेनाथ, दया करो प्रभु, रक्षा करो भगवान, शरणागत को उभारो मेरे प्रभु। ले चलो इन्हें महाराज के पास। महाराजा रिपुदमन की जय। महाराजा सिंहदित्त की जय। महाराजा रिपुदमन की जय। महाराजा सिंहदित्त की जय। महाराजा रिपुदमन की जय। महाराजा सिंहदित्त की जय। महाराजा रिपुदमन की जय। ये देखो हमारे शत्रु राजा चंद्रसेन को बंदी बना लिया गया है। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर, हमारे राजा जी तो आपके परम भक्त हैं, उनकी रक्षा करना, उनकी रक्षा करना। ओम नमः शिवाय। हमारे शत्रु चंद्रसेन का वध कर दो। जो क्या महाराज? नहीं शिकारी, हमारे राजा चंद्रसेन का वध मत करो। यदि वध करना ही है तो पहले मेरा वध कर डालो। इन दोनों का वध कर डालो। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। रुद्रावतार, हनुमान, हे मारुति, ओ बजरंगबली। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? मेरी आज्ञा पूर्ण करने से पूर्व अपने स्वरूप को जानो वत्स। मैं आपका ही प्रतिरूप हूँ प्रभु। सत्य यही है वीर बजरंगबली, तुम रुद्र अवतार हो तथा मेरे ही अंश से माता अंजना और पिता केसरी के पुत्र के रूप में श्री हरि विष्णु के अवतार श्री राम का काज करने के उद्देश्य से प्रकट हुए हो। मेरा जीवन सफल हो जाएगा प्रभु। मैं अभी तक श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। उनके आगमन से पूर्व तुम्हें अन्य कार्य पूर्ण करने होंगे हनुमान। आज्ञा करें भोलेनाथ। तुम्हें अन्यायी व अत्याचारी राजा सिंहदित्य और राजा रिपुदमन से मेरे भक्तों की रक्षा करनी होगी, जो जैनी में क्षिप्रा नदी के तट पर मेरी साधना में लीन है। आपके भक्तों पर होने वाले अन्याय व अत्याचार को आपका ये अंशावतार कैसे सहन कर सकता है? देवाधिदेव, आप निश्चिंत रहें, मैं उन दुष्टों को अवश्य दंडित करूंगा। केवल दंडित करना और भक्तों की आराधना के फल स्वरूप उन्हें दर्शन और आशीर्वाद भी तुम ही देना, यही मेरी इच्छा है। आपकी इच्छा ये रुद्रावतार पूर्ण करेगा। हर हर महादेव। Ah!
हर हर महादेव। तो तुम शिव भक्ति करोगे, शिव शक्ति बढ़ाओगे, मेरे लिए बाधा उत्पन्न करोगे? मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सबको नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा, सबको। किसने रोका मुझे? कौन है मेरा विरोधक? तेरा अवरोधक तेरा काल है। शिव भक्तों पर अत्याचार करके तूने अपने काल को बुलाया है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता। अज्ञानी, सर्वशक्तिमान कभी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता, न अपने मुख से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है, उसका कोई काल नहीं होता, किंतु तुझमें ये तीनों ही दोष है। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं अजय हूं, अभय हूं, इसलिए सर्वशक्तिमान हूं। तू ना अजर है ना अभय है, तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मांगता, और यहां आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से। हमें ज्ञान नहीं था कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं, शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे। सिंहादित्य और रिपुदमन, अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला स्वयं पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता। शिव भक्तों के आग्रह पर आज तुम्हें क्षमादान मिल रहा है। तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज्य उन्हें पुनः लौटाना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। राजा चंद्रसेन के राज्य पर इनका ही अधिकार होगा, और भविष्य में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी। परिणाम पर ध्यान रहे तो भूल नहीं होगी। देखो इन दोनों शिव भक्तों को, स्वयं भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। ये कृपा तुम्हारी भक्ति के कारण है। तुम दोनों शिव भक्त शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं। तुम दोनों का नाम शिव भक्तों में सदा अमर रहेगा, तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में तुम्हारे नाम से वृद्धि होगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, आपने इन दोनों को क्षमा दान दिया, आप कृपा कर मुझे भी क्षमा करें। मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में विघ्न डालने की भूल की है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में
तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है। श्रीकर, तुम आठवें जन्म में ब्रजभूमि में नंदगोप के रूप में जन्म लोगे तथा भगवान विष्णु के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की, प्रकट होकर हमें संकट से उबारा, हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिए। किंतु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से आराधना की है, केवल शिव दर्शन की मेरी लालसा है, कृपा कर उसे पूर्ण कर दीजिए। शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की जय। अतुलित बलधामा बजरंग बली की जय। महाबली बजरंग बली की जय। केसरी नंदन महावीर बजरंग बली की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। आपके दर्शन का लाभ पाकर हम धन्य हुए भगवान। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की, इसी प्रकार हमारे राज्य और राजा की भी रक्षा करें भगवान। नाम स्मरण करने वाले की रक्षा बंधन से हम बंधे हुए हैं वेदव्रत। राजा चंद्रसेन तो आठवें प्रहर हमारा स्मरण करते हैं, उनकी रक्षा का विचार सदा ही बना रहता है। तो सदा के लिए रक्षा की व्यवस्था कर दें भगवान। इस राज्य में धरती और आकाश दोनों ओर से शिव भक्तों को कष्ट देने के लिए दुष्ट प्रकट होते रहते हैं, इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्ट शक्तियों से राज्य राजा और प्रजा की रक्षा के लिए आप विराजे रहे भगवान। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वेदव्रत। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त शव भस्म से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा। जगत के समस्त रोग पीड़ा और व्याधि से भी मुक्त होगा। जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर, तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। अजर अमर शिव शंकर, 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 अजर अमर शिव शंकर। अवंती नगर में वित्रीय नामक रहता था एक ब्राह्मण, घर में अग्नि के घर की स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूषण, अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। उसी समय शिवलिंग से प्रत्यय शिव शंकर बन के महाकाल, दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल।
उस उज्जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर, जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा होती उस पर। महाकाल शिव की जय हो, 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 महाकाल शिव की जय हो। तुम तनननननन तुम तनननननन तुम तनननननन तुम तनननननन तुम तनननननन तुम तनननननन